कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग की इस वीडियो में। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की, क्या हाल चल रहे हैं, क्या लेवल हैं बिटकॉइन के और क्या अपडेट्स आ रही हैं मार्केट के अंदर, वो सारी अपडेट कवर करेंगे। अगर आप देखो $31,000 हमने लेवल देखे हैं बिटकॉइन के, ठीक है, और वहाँ से जो है बिटकॉइन अभी आप देखोगे 29,30 कर रहा है। अभी तक 30,000 से ऊपर लेवल बने हुए हैं, है ना। और मार्केट एक चीज़ समझ लो आप, अगर मार्केट को 32-33 के लेवल पे आप देखना है ना, तो उससे पहले मार्केट बहुत सारे मतलब जो लिक्विडेशंस वाले गेम होते हैं ना, वो यहाँ पे मार्केट के अंदर चलते हैं, जो हाई लेवरेज के चक्कर में कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा और हाई लेवरेज ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फंसते हैं ऐसे चक्कर में, मार्केट उनको फंसाता है और अच्छा खासा लिक्विडेशन करके मार्केट फिर अपनी जो है जहां मार्केट को जाना है वो वहीं पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा लेवरेज ले रहे हो ऐसे लेवल्स के ऊपर जहां बिटकॉइन 29-30 के ऊपर चल रहा है कि भैया यहां से लॉन्ग करेंगे हाई लेवरेज तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा, 32-33 जाएगा, है ना, या शॉर्ट करेंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, नहीं। अगर आप इतने ज़्यादा, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए, है ना, कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप अनलिमिटेड रिस्क लेना ले रहे हो, आपके अंदर कैपेसिटी है लेने की, है ना, तब भी आपको मैं यही कहूँगा कि रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में हज़ारों लाखों मौके मिलेंगे हर दिन, आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे ट्रेडिंग के, आप ईज़िली ट्रेड करके आप अर्निंग कर सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन इतनी हाई रिस्की ट्रेड्स लेने का कोई बेनिफिट नहीं है। मान गए उस रिस्की ट्रेड में आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, एक ये भी आप पॉइंट लेके चलिएगा, ठीक है। तो लेवरेज का हमेशा ध्यान रखें ऐसी सिचुएशन में जहां मार्केट या तो सबसे ज़्यादा ऊपर चल रहा है या मार्केट लो लेवल पर चल रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें 4 आवर के टाइम फ्रेम में, बिटकॉइन ने बहुत अच्छी सिचुएशन दिखाई है पिछले 3-4 महीने में, इसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा बुलिश, बहुत अच्छी सिचुएशन है। करेक्शन भी हमको देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, उनके लिए भी आप तैयार रहिएगा। लेकिन अगर हम बिटकॉइन को जहाँ तक देखते हैं, है ना, हो सकता है 29 पे फिर से आपको लेवल देखने को मिल जाए बिटकॉइन के, 29-30 वाले जो सीन है वो बिटकॉइन आपको काफ़ी टाइम दिखा सकता है। और अगर हम बिटकॉइन के मंथली चार्ट के ऊपर चलें, तो मंथली चार्ट अगर आप देखोगे बिटकॉइन का, अगर आप मंथली देखोगे, सबसे ज़रूरी चीज़ है अगर बिटकॉइन का यही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है अगले 3 महीने या 6 महीने के लिए, है ना, जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, अगर कंटिन्यू रहा तो बिटकॉइन आप मान के चलिए कि हमको $50,000 भी सितंबर अक्टूबर तक जो है 50,000 भी लेवल दिख सकते हैं बिटकॉइन के, है ना, अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो। बीच में कुछ ऐसा टाइम भी आएगा जब करेक्शन वाला भी निकलेगा, है ना, ऑलरेडी अगर आप देखोगे 4 महीने से कैंडल्स जो हैं ग्रीन में चल रही हैं, तो एक रेड कैंडल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मंथली रेड कैंडल भी हमको देखने का मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, है ना, लेकिन उसके बाद अगर फिर वही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो मान के चलिए इस साल भी ये चीज़ हो सकती है कि आप 40-50 हज़ार पे बिटकॉइन को देख लें और फिर वहाँ से एकदम जो है प्राइस में सडन एक फॉल देखने को मिले, क्योंकि जैसे जैसे मैंने आपको कहा 3-6 महीने में अगर जाएगा तो उसके बाद बहुत कम टाइम रह जाएगा हालविंग को लेके, है ना, तो हालविंग भी होने वाली है, तो जैसे जैसे हालविंग का भी टाइम नज़दीक आएगा तो हालविंग से पहले भी गेम होगा, लेकिन हालविंग के बाद तो बहुत बड़ा गेम होने वाला है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं कि इस साल बिटकॉइन $50,000 की लेवल टच कर पाएगा, 50,000 या 40,000 ये लेवल्स हमको बिटकॉइन दिखा पाएगा या नहीं दिखा पाएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है पोलोनिक्स एक्सचेंज की तरफ से। अगर आप देखोगे फ्लॉकी CEO, ए डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टोकरेंसी विद इंस्टेंट रिवॉर्ड फॉर होल्डर। अभी आपको पता है 300-400% तक जो है फ्लॉकी CEO ने पंप किया, तो पोलोनिक्स एक्सचेंज ने यहाँ पे लिस्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे फ्लॉकी CEO को। जी हाँ, एक नई लिस्टिंग हो चुकी है इस क्वाइन की और ये आ चुका है अब पोलोनिक्स एक्सचेंज के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैंगो मैन के बारे में। जी हाँ,
तो इस क्रिप्टो की अगर हम जहाँ तक बात करें, हमने पहले ही बात की थी, और अगर आप इस क्रिप्टो को देखोगे, टॉप 400 में ही कॉइन आता है, और 0.4 × 0.37 के लेवल्स। और अगर हम डॉलर्स की बात कर लें तो 6-0 वाला कॉइन सही डॉलर में, अभी भी 7% ग्रीन में है। लेकिन 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 अगर आप एक महीने का चार्ट देखोगे इसका, पिछले 30 दिन के अंदर, ये एक महीने का चार्ट है इसका, एक महीने के अंदर 0.4 × 0.1 के लेवल से ये सीधा 0.4 × 0.56 तक गया है। और पिछले 30 दिन में आप देखो इसके जो लेवल्स, जो पंप आया है वो 700% से भी ज़्यादा, 700% से भी ज़्यादा ये कॉइन पंप कर चुका है पिछले एक महीने के अंदर। तो मैंगो मैन इंटेलिजेंट आप देख सकते हो, ये क्रिप्टो बहुत अच्छा पंप हुई है पिछले एक महीने के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपे के बारे में। जी हाँ, पेपे एक नया मीम कॉइन मार्केट के अंदर आया है, ठीक है। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है नए मीम क्रिप्टो के लिए, है ना। अगर आप देखो इस कॉइन के प्राइस काफ़ी अच्छे सर्ज हो रहे हैं इस टाइम पे, प्राइस हम देखेंगे। लेकिन अगर आप पहले देखोगे यहाँ पे, द मोस्ट मीमेबल मीम कॉइन इन एग्जिस्टेंस, लेट्स मेक मीम कॉइन ग्रेट अगेन। तो मीम कॉइन्स की कहीं ना कहीं फिर से बारिश हो रही है, नए नए मीम कॉइन्स आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये है मीम कॉइन बिंग एक्स के ऊपर, यहाँ पे लिस्टिंग का अपडेट है। इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट हुआ है। ओकेक्स का भी हमको एक पोल देखने को मिलता है, लेट सेटल दिस मीम कॉइन डिबेट, आर यू टीम डॉग और टीम फ्रॉग। तो यहाँ पे एक तरह से मीम कॉइन्स की भी अब टीम बढ़ चुकी है जब से ये पेपे कॉइन आया है, फ्रॉग या डॉग, है ना। तो अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं इस कॉइन की हाई बन रही है, और यही रीज़न है कि इसका प्राइस बहुत अच्छा खासा इस टाइम पे सर्ज हो रहा है। मैक्सिमम टोटल सप्लाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ट्रिलियन है 420, और 15,000 इसके होल्डर्स भी हो चुके हैं। जी हाँ, 15,000 होल्डर भी हो चुके हैं इस कॉइन के। और मैक्सी ग्लोबल की जहाँ तक हम बात करते हैं, मैक्सी ग्लोबल की तरफ से भी लिस्टिंग का अपडेट है। वॉट विद एमएक्स टू सपोर्ट द पेपर लिस्टिंग एंड शेयर 745 मिलियन पेपे एयर ड्रॉप। तो इस टाइम पे ये कॉइन जो है मार्केट में छाया हुआ है, ठीक है। कितना प्राइस सर्ज हो रहा है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। और अगर हम इस कॉइन की जहाँ तक बात करते हैं, एक तरह से अब मीम कॉइन्स की भी टीम, एक तरह से डिबेट ये स्टार्ट हो गई है कि भैया डॉग या फ्रॉग, है ना। तो इस तरह का सीन चल पड़ा है। तो अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा है कि हर हर कॉइन को ये किल कर रहा है, हर मीम कॉइन को। लेकिन ऐसे नए क्रिप्टो हर मीम कॉइन को किल करने लगे तो मार्केट कैसे मार्केट रहेगा फिर, है ना। सबसे बड़ी बात है कि मीम कॉइन में अगर दम है, प्रोजेक्ट अच्छा है, शिवा इनू ने जो काम किया है मार्केट के अंदर, अगर उससे अच्छा है और उससे भी बढ़िया कोई काम करेगा तो डेफिनेटली भैया शिवा इनू से भी आगे निकल सकता है। लेकिन अगर सिर्फ हवा, कहते हैं ना कि बस थोड़े टाइम की होती है, और अब नया नया आया तो भैया थोड़ा हाइप बन रही है, जब ये हाइप ख़त्म होगी ना तब किसी कॉइन की असली, जो एक कहते हैं ना असली दम, तब पता चलता है जब हाइप ख़त्म हो जाती है। तो जब हाइप ख़त्म होगी तब तब कितना पंप करेगा ये कॉइन, ये देखेंगे हम। लेकिन अभी कितना प्राइस सर्ज हो रहा है इस। तो आ गए हम कॉइन मार्केट कैप पे। ऑलरेडी ये जो कॉइन है ये 500% तक गया है ना। अभी ये जो कॉइन चल रहा है, इसकी रैंक की मैं जहाँ तक बात करता हूँ, इसकी रैंक आती है 2600 पे, और 0.0 अगर आप देखोगे 60 है डॉलर्स में, 2937 के लेवल हैं, और अभी भी ये 300% के करीब ऊपर चल रहा है। मीन्स पिछले 24 घंटे में ये 300% प्राइस बढ़ चुका है। अगर हम मार्केट कैप वॉल्यूम की बात कर लें, 83% आया है ट्रेडिंग वॉल्यूम लास्ट 24 आवर का, है ना। तो ये इसका चार्ट है, अगर हम वन डे का चार्ट देखें तो एक तरह से बुर्ज खलीफा 0.0 यहाँ पे। अगर आप लेवल देखोगे, इसने एक जीरो भी किल किया है, 7 जीरो के साथ इसके लेवल चल रहे थे, और अभी जो आप देखोगे इसके लेवल वो आ चुके हैं 6 जीरो पे, है ना। तो 760 से ये आ चुका है इस लेवल से इस लेवल तक, और एक जीरो भी इसने उड़ाया। तो ये इस टाइम पे प्राइस चल रहा है पेपे का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यहाँ पे सेफ पैल को लेके। सेफ पैल इज प्राउड टू अनाउंस द इंटीग्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस जॉन इन द हार्डवेयर वॉलेट एंड मोबाइल ऐप फॉर ग्रेटर क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी।
तो यहाँ पे अगर आप देखो सेफ पैल की जहाँ तक हम बात करते हैं, एक क्रिप्टो वॉलेट है और इंटीग्रेशन मतलब एक तरह से पार्टनरशिप कह लीजिए सेफ पॉल और ऑस्मोसिस की, है ना। नेक्स्ट अपडेट है बेबी डॉज कॉइन को लेके। आपको पता है कू कॉइन पे बेबी डॉज कॉइन की लिस्टिंग हो चुकी है और बेबी डॉज कॉइन के नए नए पार्टनर बन रहे हैं, है ना। एक्साइटेड टू अनाउंस अ न्यू फार्म लिस्टिंग, गेमिंग पार्टनरशिप एंड ट्रेडिंग इज लाइव फॉर कटाना इनू एट बेबी डॉज स्वैप डॉट कॉम। तो बेबी डॉज स्वैप पे आ चुका है कटाना इनू और बेबी डॉज की एक तरह से पार्टनरशिप हो गई है कटाना इनू के साथ। जी हाँ, नए नए पार्टनर्स बन रहे हैं बेबी डॉज कॉइन के। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें, रॉबर्ट कियोसाकी जो बिटकॉइन को लेके बहुत पॉजिटिव हैं, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर, एक्सपेक्ट बिटकॉइन प्राइस टू कीप राइजिंग, है ना, सेज आई एम बेटिंग ऑन इट। तो ऑथर ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि उनको लगता है कि एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ बिटकॉइन कीप राइजिंग एंड आई एम बेटिंग ऑन इट। ही सेड कियोसाकी ऑल्सो शेयर दैट ही बॉट 60 बिटकॉइन वेन द प्राइज ऑफ द क्रिप्टो करेंसी वॉज एट $6,000 पर कॉइन। तो अगर आप देखो कितने बिटकॉइन खरीदे जब बिटकॉइन का प्राइस डिप में चल रहा था और लगातार जो है ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रॉबर्ट कियोसाकी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो यहाँ पे कंटिन्यू मोमेंटम रह सकता है। और जैसा हमने डिस्कस किया कि अगर मोमेंटम रहा, है ना, तो फिर 40-50-20 साल दिख। तो अगर आप देखेंगे पेपे कॉइन की हमने बात की किस तरह से ट्रेंड हो रहा है, इतना भयंकर वाला जो आप एक तरह से ट्रेंड कह सकते हो वो हो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे 6,93,000 जो है ट्वीट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं पेपे के, और अच्छा खासा वाला ट्रेंड देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा वाला प्राइस सर्ज हो रहा है। ठीक है, फोमो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, फोमो तो कहीं ना कहीं लॉस का सबसे बड़ा रीज़न होता है। नेक्स्ट अपडेट है शिबा इनू को लेके। शिबा इनू लीड डेवलपर कंफर्म शिबा स्वैप 2.0 इज कमिंग। जी हाँ, शिबा स्वैप जहाँ तक हम बात करते हैं 2021 का वो टाइम था जब जून जुलाई के आई थिंक जो है शिबा स्वैप को लॉन्च किया गया था, तब भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे जैसे शिबेरियम के लॉन्च को लेके। लेकिन शिबा स्वैप के आने के 3 महीने बाद, है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर जो है शिबा इन्होंने बहुत अच्छी रैली दिखाई थी। तो देखते हैं शिबेरियम के आने के 2-3 महीने बाद यहाँ पे कुछ होगा या नहीं होगा, ये तो टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, अब शिबा स्वैप 2.0 भी आ रही है, ये यहाँ पे कंफर्म हो चुका है लीड डेवलपर की तरफ से। लास्ट एंड फाइनल अपडेट भी शिबा इनू को लेके, बिट पे पार्टनर विद रैम्प नेटवर्क टू अलाउ यूजर बाय शिबा इनू, है ना। तो बिट पे जो एक, अगर हम क्रिप्टो गेटवे की बात करें, बिट पे ए लीडिंग क्रिप्टो पेमेंट गेटवे, ऑलरेडी शिबा इनू का सपोर्ट ऐड कर रखा है। तो अब जो यहाँ पे जो है रैम्प नेटवर्क के साथ एक तरह से पार्टनरशिप हुई है और वी आर थ्रिल्ड टू अनाउंस अवर न्यू पार्टनरशिप विद रैम्प नेटवर्क, द न्यू नाउ अवेलेबल बाय क्रिप्टो विद रैम्प, यूज बिट पे ऐप टू चूज फ्रॉम 20+ क्रिप्टो करेंसीज, है ना। तो अब सीधा सीधा जो है एक तरह से शिबा इनू को भी बाय कर सकते हैं, अवेलेबल नाउ बाय 20+ क्रिप्टो करेंसीज डिलीवर्ड इंस्टेंटली, है ना। तो बिट पे और रैम्प ने हाथ मिला लिया यहाँ पे। तो ये थी आज की कुछ अपडेट्स। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ट्विटर के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।